तकदीर मंजिलों की जगह थे चले चलो, जो कुछ मिले जहां से वो खाते चले चलो। रोते हो IMF की शरायत को मानकर, किसने कहा था कर्ज उठाते चले चलो। ये महंगाई काबू में नहीं आ रही, तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखते आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? पेट्रोल महंगा होया था, गड्डी CNG ते करा ली। फिर मुंडे नु कहंदे जा गैस भरा के लिया, ओ गुब्बारे वाली भरा लिया। वासे भाई इमरान खान साहब को ड्यूटी करदे सन। अच्छा जी। इमरान खान साहब कहंदे वासे कोई रह तो नहीं गया, अगो कहंदे जी किसे दा पता नहीं, मेरी तनखा दा 800 रह गया। मेरे नाल गए ने 20 रुपए दी बर्फ लैण। अच्छा जी। पांच रुपए की करके चार जगह तो ली। मैं इस तरह क्यों कर दो? कहते इस तरह बहुत ही मिलती। इंडिया घर गए तो जाके कहते जी एक घंटे लिए जराफा मिल जाएगा। उन्होंने कहा क्यों? कहते मैं उत्ते बह गुड्डिया लुटनिया। इन्होंने दोस्त ने UK तो बूट भेजे ने। अच्छा। जुत्तियां ली दुकान से चले। मैं इधर की करना है? कहते मैं कंट्री कोड खिलौना है। आपसे पहले मेहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए नए रुकन बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मियां अकरम उस्मान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल फराह शाह। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़े प्यारे मेहमान आए हैं। एक शेर मैं भाईजन के लिए लाया हूँ, आज की सियासत पे सर। वाह। पुरानी खेप के संग संग ठाकुर अब सियासत, नौजवानों के गले से लग रही है। अब इसके जायके में लाल मिर्चों का तनासब बढ़ गया है। वाह। कभी ये धीमी धीमी आंच पर तादेर, अब ये बेचारी तेज लम्हों की तरफ लपक रही है। ना कर लम्मे कार वे बीबा, ना कर लम्मे कार वे बीबा, अपना बूता सार वे बीबा। जग तो जितना चाहना है, जग तो जितना चाहना है, अपने आप तो हार वे बीबा। मेरा शेर तो रुखमा जी के लिए है। अच्छा जी। उसे कोई भी गम दो वो हंस के सहती है। अरे वाह। उसे किसी की परवाह नहीं, वो अपनी मस्ती में रहती है। जो हर वक्त मुझे अपने घर का ताना देती थी कैसर, आज पता चला वो खुद किराए पर रहती है। जी मियां साहब क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का जी, आप सुनाइए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, नए नए जीत कर आप आए हैं और लाहौर से आपने सीट निकाली है। तो पहले तो बताएं, माशाल्लाह मियां मोहम्मद अकरम उस्मान, इसमें से कौन सा नाम है जिससे आपको आमतौर पर घर में बुलाया जाता है? सारी फैमिली ने कुछ नाती कार्ड बना लिया जी। अगर वैसे चले अकरम साहब, तो अकरम साहब पहली बार पंजाब असेंबली के अंदर जी, एज MPA पहली बार, एज MPA पहली बार आए हैं। उससे पहले मेरे फादर थे, दो दफा मैंने। अच्छा। फिर मेरे ससुर भी MPA रहे हैं, मियां महमूद रशीद साहब अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो सारा हमारा जो है ना वो फैमिली पॉलिटिक्स। तो अब आप मियां महमूद रशीद साहब के साथ ही गाड़ियां बैठ के जाते हैं या अलग अलग आ रहे हैं? क्यों पेट्रोल क्यों नहीं बचा रहे? नहीं, इसीलिए कि वो ना कहीं और था, मैंने कहीं और था यार, को बीच में मतलब मीटिंग पॉइंट ही रख लेता है, अलग अलग रास्ता है। लेकिन MPA हो गए, हुण कड़ा इन्हां नूं पल्लियों पवाना पैणा? क्यों नहीं हुण ते मिलेगा ही कोई असेंबली? कोई नहीं मिलदा जी, कोई नहीं मिल रहा। मीडिया नूं कुछ नहीं मिलदा, पल्ले लाना पैंदा। अच्छा जी, ये सियासत वाली गल ते अलग मियां साहब दसणा चाहना कि बहुत अच्छे बैडमिंटन ते प्लेयर ने और साडे नाल खेलदे रहे ने। मैं उस्ताद हूं, ये पहले दिन खेलने आया था तो छिका भी उड़ला पकड़ा हुआ। अच्छा जी, और सर बेस्ट प्लेयर माशाल्लाह, मजन के पिछले कोर्ट च होर कि दूसरे कोर्ट च खलोते ने ते दूरों ही ओथों ही मार देंदे ने मजन के। साज खुद भी माशाल्लाह ठीक है। अच्छा, तो ये अकरम साहब आप भी वहां पे आते रहे हैं? सर मैं तो एक बार ये मुझे लेके गए थे, तो मैंने जब वहां पे लेवल देखा जो प्लेइंग जारी बात है, बड़े जबरदस्त प्लेयर्स खेल रहे थे, तो मैं वापस आ गया। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा बार बार वहां पे आऊं। जी दसिया कि मैं उस्ताद हूं, तो कहते सारे मेरे शागिर्दी ने उठे। अच्छा, यानी कि आप बैडमिंटन भी खेलते हैं और उसके दरमियान में आपने कहा कि इलेक्शन भी हो ही जाए? नहीं, असल में मैं खेलता रहता तो यहाँ ना होता, तो वो छोड़ना पड़ा। स्पोर्ट्स मैन, हमारा कैप्टन जो है वो भी स्पोर्ट्स मैन है, तो
तो स्पोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल उसके बाद जो है ना ये फील्ड हमने चुनी है वो फिर बैडमिंटन को खैर बात करना पड़ा, फिर लंबी छुट्टी आ गई, तो उसके बाद साल हो गए तकरीबन, साल डेढ़ साल ही हो गया, तो फिर हमने इस पे मेहनत की, अल्लाह ने करम किया अल्हम्दुलिल्लाह। असि भी उनको हट खेल देना चिड़िया ले आके देंदे सन, ओ चिड़िया उड़ गई सारी जी। तो मैडम आपके क्या हाल है? मेरे हाल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलती हैं? शौक है मुझे, लेकिन मैं इतनी कोई अच्छी नहीं हूँ किसी। शौक आपको किस चीज का? मुझे बैडमिंटन का शौक है। आपको बैडमिंटन का शौक है? जी मैं अच्छा खेल भी लेती हूँ। अच्छा, बट आई डोंट थिंक सो आप लोगों के जितना अच्छा खेल पाऊंगी, बट आई कैन। यू कैन प्ले? या आई कैन। और आपको शौक है? जी अगर मुझे कोई सिखाए सही से आई कैन। अच्छा नहीं, आपको सिखाना है भी या आप खेलती? मतलब मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे नहीं ना। नहीं, प्रोफेशनल लेवल पे तो ये लोग भी नहीं है, मगर एक उसके अंदर भी होता है। मैं खेल लूंगी आपसे भी। अच्छा अच्छा, इनसे खेल लेंगी आप? हां, वो शेर भी पे सुना देना कि मैं पिया खेलूंगी प्यार की बाजी, कब तुम जीते तो मैं हारी तो तुम जीते, कोई इस तरह का शेर है? मैंने याद से इस तरह के सारे शेर आपने याद किए हुए हैं जिसमें पिया का जिक्र आता हो। हां जी। अच्छा, तो आपको बैडमिंटन का शौक है? जी मुझे बास्केटबॉल का भी है, लेकिन वो नहीं, लेकिन वो आई वुड लाइक टू, मेरी हाइट भी छोटी है ना, तो मैं नहीं। अच्छा, तो इस वजह से बास्केटबॉल का आप नहीं कर पाती? क्योंकि वो बॉल पा लगते हैं, हाइट छोटी, थले नंगे कान चबा जाते हैं, बड़ा मसला बन जाता है। आपने शो देखा मैंने वैसे थोड़ा? हाँ जी। तो मुझे बताएं कि ये मॉडलिंग का आपको शौक है या ये ख्याल आया कभी कोरोना के अंदर? मॉडलिंग का ऐसे ही दोस्तों ने इनकरेज किया कि यार पोटेंशियल है तुम में, तुम कर सकती हो। मैंने कहा ओके, फिर मैंने उसमें वाकई मैंने थोड़ा हाथ पल्ला मारा, देन आई वाज लाइक नहीं यार आई कैन डू इट। अच्छा, सिर्फ दोस्तों के मरु ने मेहनत है ये वाली काविश? हाँ, दोस्तों ने मुझे कहा कि नहीं तुम्हें पोटेंशियल है। तो आपको खुद से क्या करने का वैसे है शौक या प्लान? खुद से ज्यादा फोकस मैंने हमेशा स्टडीज पर ही किया है, यही होता था कि यार टॉप करना है। अच्छा, तो कर पाई आप या नहीं? मैं आई एम गुड इन स्टडीज। अच्छा, आई हैव जीपी ओवर 3.5। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो आपका प्लान क्या है आगे? प्लान मेरा अभी यही है कि स्टडी को और मॉडलिंग को साथ लेके चलने, और इसमें मैं आगे जाऊंगी। और मॉडलिंग की से उस्मान बुज़दार बनेंगे आप? यार मैं तो मॉडलिंग की वजीरे आला सर बड़ा खिताब देता है। मॉडलिंग की वजीरे नहीं, आई वांट टू बी ऑन द टॉप। ठीक है, आप सबसे ऊपर पहुंचना चाहती हैं? अल्लाह बेहतर करे। आई थिंक आई कैन। अबे इट मींस कि आप जिंदगी में क्या हुआ ही नहीं है ना। शुक्रिया बुजुर्गों। ये बताएं कि मॉडलिंग तो एक बहुत शॉर्ट स्पैन का करियर होता है, तो आगे क्या करना है मॉडलिंग में? चलो आप टॉप पे पहुंच गए, दैट्स फाइन, उसके बाद क्या करना है? मीडिया में एज अ बिगिनर आई एम गेटिंग नोन एज अ मॉडल, उसके बाद आई थिंक आई कैन एक्ट एज वेल, मैं वहाँ तक भी जाऊँगी, फिर आई कैन सिंग एज वेल। उसके अलावा जो मेरी स्टडी है, आई एम बेसिकली स्टडिंग जर्नलिज्म, तो आई कैन डू दैट। आप जर्नलिस्ट बनना चाहेंगी? नॉट रियली नाउ। इसके अलावा सिंगिंग आपको आती है? या आई कैन सिंग। हमें कुछ सुना दें अगर आप है कोई तो, मौजू लगे तो। आपको अकरम राई की कसम है सुनाएं आप? आपको मेरी कसम है। ये कौन सी कसम है जी? तो कुछ आप सुना पाएंगी? खरी खरी सुना दें। जाने कैसी बांधी तूने अखियों की डोर, मन मेरा खिसा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हसी, आफरी 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 आफरी। थैंक यू सो मच आपका कि आपने इजहार कर दिया। उन्होंने कहा ना सब कुछ पिया तेरे नाम। तो कैसर पिया के नाम हो गया जी, जी, क्या चाहिए? मुझे ये नाम वैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे ख्याल से, यू माइट हैव गुड करियर इन दिस अगर आप प्रैक्टिस करें रेगुलरली। मॉडलिंग में भी आई विल हैव अ गुड करियर। नहीं नहीं, मगर ये जो ज्यादा चीज हमें बड़ी जबरदस्त लगी तो इस पे मुझे लगा कि क्यों मियां साहब आपको भी लगा कि पोटेंशियल है, है ना? तो अगर प्रैक्टिस करेंगी तो हो सकता है इसके अंदर एक खातिर खा कामयाबी आपको मिले। मियां साहब आपको भी कोई कॉलेज लाइफ में शौक रहे हैं या नहीं? सुना दियो, तुसी भी सुनाओ।
उसके अलावा कोई नहीं, कोई स्पोर्ट्स ही सिर्फ चीज थी? स्पोर्ट्स थी, फिर साथ बस आवारा गर्दी थी। आवारा गर्दी, ओए होए, ये किस जमाने की बात है? ये कॉलेज के जमाने की बात है कि कभी मछली खाने डैम पे जा रहे हैं, नाश्ता करने कसूर जा रहे हैं। खाने का शौक था बहुत, और उसके लिए आप बहुत दूर दूर तक भी गए। वहाँ दोस्तों से प्लान बन गया कि कौन सी चीज कहाँ पे अच्छी है, वहाँ चले गए। प्लान बन गया, वहाँ चले गए। मैं बहुत कुछ खाना चाहना, देखो कहते फिर सियासत चल जा। चल चलिए, साथ ही उन्होंने फौरन वो कर दिया। तो यानी कि खाने का क्या है फेवरेट डिश आपके खाने में? जो अच्छा बना। नहीं मगर फिर भी कोई एक स्पेसिफिक तो होता होगा ना, अगर आपको ऑप्शन दे के ये आपके पास गाड़ी है, अब आप किधर जाना चाहेंगे, कौन सी जगह जहाँ पे आपको हो गया ये वाला खाना मैंने, फर्स्ट थॉट दैट कम्स योर माइंड? कंपनी अच्छी होनी चाहिए, पियाजी साथ हो, दोस्त आ होता, जहाँ मर्जी चले जाए। अच्छा, कंपनी यानी खाने का मसला नहीं है? हाँ, मैं सब इंज करके तुसी होटल च जाओ, उत्ते इंज करके बैठो तुसी, ते अग्गे तुहाडे गरम गरम पुठ दा गोश्त होवे, ते करेले गोश्त होण। करेले गोश्त, करेले गोश्त का शौक कमाल। अच्छा, वाह वाह, आपको है खाने का शौक? बहुत ज्यादा है। आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे भी करेले गोश्त बहुत पसंद है। अच्छा, आपको भी करेले गोश्त? अच्छा, सारे ही करेले गोश्त वाले आए हुए आज मेरे पास। मुझे भी पता था मियां साहब, कोई आप बताइए इनको कोई अच्छी जगह करेले गोश्त की जहाँ से ये ट्राई कर सके। करेले गोश्त तो घर का ही होते हैं। अच्छा, घर, ये भी आप दोनों में कदर मुश्तरक है कि दोनों कह रहे हैं कि अपने अपने घर से अपना घर। करेले गोश्त सारे खाते ने जी, तुसी भी कल पकाया सी, आए थे सी आलू गोश्त पकाया जी। बड़ी आपने जबरदस्त सिलेक्शन निकाला है, लाहौर के अंदर सिलेक्शन निकालना, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। देखें, हमारे जो यहाँ पर ये हल्का था, मतलब साथ ही हल्का एक गड़ी शौक एरिया सारा, वहाँ पर जो जितने मिनिस्टर्स थे उनको आना पड़ा इस्तीफे देकर। हाँ जी। फिर वहाँ पे पैसे का बहुत इस्तेमाल किया गया दूसरी साइड से। अच्छा। और लोगों को चेक दिए गए जिनकी वीडियोज मौजूद हैं, और बेबहा पैसा किया गया। मगर एक चीज थी जो इमरान खान साहब ने मुझे कही थी कि तुम जितना लोगों के पास जाओगे डोर टू डोर, उतना लोग जो है ना वो निकलेंगे बाहर। और ये हमने किया, और हमारे जो मुखालफीन थे उनके ऊपर तो लोटा लोटा की आवाजें इतनी लगती थी, बेचारे बाहर ही नहीं निकल सके। मगर मेरे इलेक्शन में सीन ये था कि क्योंकि यहाँ पे लोटा नहीं था, मगर उसकी बैग पे लोटे थे, तो वो मगर उसने कैंपेन की, और मगर उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से हम सारी जो है लोगों के पास गया। जो लोगों ने अप्रिशिएट किया और जो लोगों ने रिस्पांस दिया वो बहुत ज़बरदस्त था। मतलब 15 अगर अपने दरवाजे खटकाए हैं तो उनमें से जो मुखालफी ने 2 या 3 घरों के निकलते थे, वरना जो मेजोरिटी वो ऑलरेडी पीडीआई के साथ ही। इसका मतलब जल्दी खुशी सानू भी सारे बड़ी हुई थी, लेकिन इन्हें असेंबली जाके बड़ा इंजॉय कर रहे, पहली बार गए ना। अच्छा, एवं कभी उस कुर्सी से कभी उस कुर्सी से, स्पीकर सानू कह रहे स्पीकर साहब कल मैंने घूमने वाली कुर्सी से बोना सारी कुर्सियां घूमने वाली। अच्छा जी, तो बस तुम उ बैठ के घूमी जो, इतने वाम घूमी जा रही है। खामोशी में भी कोई आई बात है, हुकूमत जैसे घबराई बहुत है, मेरी हर पोस्ट को करती है लाइक, वो मेरी वॉल पर आई बहुत है, डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ, करूँ क्या जान, महंगाई बहुत है, हाय हाय आ।